लेकिन भाव रूप से वो साक्षात वेद व्यास के प्रतीक हैं। आइए हम सर्वप्रथम उनकी वंदना करते हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा, असीम कृपा और आशीर्वाद उनके ऊपर बरसते रहे, ताकि उनके मुखारविंद से जो भी वाणी निकले वो हम सबों के लिए कल्याणप्रद हो। आइए हम आतिथ्य भाव से उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ओम व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैविध नमो विधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुतेभ्यः विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यत् पत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। चलिए अब जयदेव जी का तिलक करते हैं। ओम चंद्रस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्यमितिष्ठति सर्वदा। इनके मंगल गान की कामना करते हैं, इनका मंगल हो, संपूर्ण परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का मंगल हो। ओम भद्रम कृणे श्रृणुयामि देवा भद्रम पश्येमाक्षत्र स्थिरंगे सुष्टुवा गंशस्तुनो वैश्ये मही देवहितं यदायु। अब समस्त ग्रामीण क्षेत्रवासियों की ओर से विराजमान व्यासपीठ के चरणों में कोटि कोटि नमन, और इन्हीं चंद वेदवाणी से अब हम लोग व्यासदेव महाराज की मुखारविंद से कथा का रसा स्वादन करेंगे। जय। हमारे आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र सिंह यादव दादाजी की तरफ से और हमारी बिटिया जी की तरफ से इन्होंने व्यासपीठ पर चंदन तिलक करके हमारा सम्मान किया। भगवान से कामना करते हैं बिटिया जी के लिए, भगवान सदा सुखों में संपन्न बनाए रखे, हर चीज से भरपूर रखे, परमात्मा से बुद्धि प्रदान करे, सदमार्ग पर चलती है। अपने माता पिता का भी नाम इस संसार में रोशन करें, व्यासपीठ पर बैठे इस यही आशीर्वाद की कामना है। आइए सर्वप्रथम चलते हैं माता रानी के पावन चरणों में।